नमस्कार, स्वागत है आपका वामा टीवी के प्रोग्राम वामा वास्तु में, जिसमें हम आपको आपके घर से जुड़ी कुछ अहम बातें बताते हैं जिनका ध्यान रखकर आप अपने घर के वास्तु में सुधार कर सकते हैं। हर बार की तरह आज भी मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसको ध्यान में रखकर यदि आप काम करेंगी तो आप भी अपने घर की सुख समृद्धि बरकरार रख पाएंगी। हम जब अपना घर बनाते हैं तब सभी बातों का ध्यान रखकर अपने घर का वास्तु निर्धारित करते हैं और उसी पर अमल कर अपने घर का निर्माण करवाते हैं। पर हम इन सबके बीच में कभी कभी घर के डस्टबिन को भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह घर का कचरा है तो हम इसे कहीं भी डंप कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, ये भी उतना ही अहम है जितना बाकी सब होता है। तो आज मैं आपसे घर के डस्टबिन की दिशा के बारे में बात करने वाली हूँ। तो जल्दी से हमारे वामा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको निरंतर ऐसी यूजफुल वीडियो मिलते रहें। हम हमेशा सोचते हैं कि ये तो घर का डस्टबिन ही है, इसे कहीं भी किसी भी दिशा में रखा जा सकता है, भला इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। पर आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि डस्टबिन के माध्यम से भी घर में नेगेटिविटी आती है। हमें डस्टबिन को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिससे इसकी नेगेटिविटी को खत्म किया जा सके, और वो है पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट, क्योंकि शनि देव को पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है जो कूड़े करकट और गंदगी के कारक होते हैं। इसलिए घर के डस्टबिन को हमेशा पश्चिम दिशा में रखें और घर में आने वाली नेगेटिविटी को अपने घर परिवार से दूर रखें, जो भविष्य में आपके परिवार को हानि पहुंचा सकता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बताई गई जानकारी पर अमल करते रहिए ताकि आप अपने को और अपने परिवार को आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से पहले ही सुरक्षित कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको वामा वास्तु कार्यक्रम में बताऊंगी कि आप अपने घर की वेस्ट चीजों को कहाँ रख सकें जो किसी भी यूज में नहीं आती हैं। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वामा टीवी। नमस्कार।